होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और साउथ इज साइड, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग। एग्जैक्टली काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग। ध्यान से समझिए, सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए, सिंपल सा वर्ड ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए लोग आपको जानने लग जाते हैं, ये है पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे बात करूँ संदीप महेश्वरी सर का, तो संदीप महेश्वरी सर को लोग लाइफ कोच के रूप में जानते हैं, अमिताभ बच्चन को अभिनेता के रूप में जानते हैं, राहुल भटनागर सर को ट्रेनर के रूप में जानते हैं और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेटर के रूप में। तो ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग, की आप एक पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल कर लियो और लोग आपको उसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जानते हैं। अगर उनको क्रिकेटर का एग्जाम्पल देना है तो सचिन तेंदुलकर का दिया जाएगा। तो ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग। अब हमें इसको अपने लाइफ में कैसे यूज करना है, ध्यान से समझिए। अभी जो COVID-19 का दौर था, इसने लोगों को एक चीज क्लियर कर दिया कि अब अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए फिजिकली डिपेंड हो, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको डिजिटल फील्ड में आना होगा। अब डिजिटल फील्ड में आ गए, दैट मीन्स क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा इशू करता है। ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से आता है, पर्सनल ब्रांडिंग से। सिंपल सी बात यह है कि अगर लोग आपको जानते ही नहीं है तो लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। लोग आपको जानना चाहते हैं तब आप पे ट्रस्ट करेंगे, अगर नहीं जान रहे तो ट्रस्ट का बात ही नहीं होता है, ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे बिल्ड होता ही नहीं है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, स्पेशली TSS टीम सोनू शर्मा और टीम सागर सिन्हा, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। सोनू शर्मा सर को हर कोई जानते हैं, सागर सिन्हा सर को हर कोई जानता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करना है। लोग तो उनको जानते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जानना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, राइट। दैट मीन सिंपल से वर्ड ये कहूँ कि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने DP में, अपने प्रोफाइल पिक में अपने फोटोज ना लगा करके सोनू शर्मा सर के, सागर सिन्हा सर के, संदीप महेश्वरी सर के, कार के फोटोज लगाए हुए हैं। तो आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, खुद की पहचान आप छुपा रहे हो, तो लोग आपके साथ क्यों जुड़ना पसंद करेंगे, डेफिनेटली आपको फ्रॉड समझेंगे। सिंपल सा फंडा ये है कि आप जैसे भी हो अपने आप को लोगों के सामने लेके आइए, वीडियोस के थ्रू, फोटोज के थ्रू, अपने प्रोफाइल पर, अपने DP पर अपना ही फोटो रखिए, जिससे होता है लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, तब आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। सिंपल सा वर्ड यही है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ही है कि अगर आप किसी पर्सन को, ऐसे पर्सन को जानते ही नहीं हो, उनकी फोटोज वगैरह देखी ही नहीं हो, क्या उनके साथ बिजनेस करना चाहोगे आप? डेफिनेटली नहीं चाहोगे यार, आप मना करोगे, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे जानता नहीं है और वो मेरे साथ बिजनेस करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इशू होता है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो लोग आपको जानना चाहते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने पर्टिकुलर फील्ड में काम करना होगा, लोगों के सामने आना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, वैल्यू देना होगा, देन लोग आपको जानेंगे और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। एक चीज ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा भी कि कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस में यूं ही नहीं आता है, लोग आपको देखकर आते हैं कि आप उनको क्या सिखा सकते हो। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप उनको कुछ चीजें सिखा सकते हो, तो ये चीज बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग आपको देख के आते हैं, ना कि आपके बिजनेस को, ना कि आपके प्रोजेक्ट को। ओके, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करिए, लोगों के सामने आइए वीडियोस के थ्रू, फोटोज के थ्रू, और लोगों को वैल्यू दीजिए, तब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।